नमस्कार। और हम आपके सामने लेकर आए हैं शास्त्री नगर से महेंद्र प्रताप सिकरवार, जो मौलिक भारत में दिल्ली एनसीआर के संपर्क अधिकारी हैं और लोगों को साथ लाने का इनका सबसे बड़ा काम है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में, मौलिक भारत के बारे में इनके विचार, और मौलिक भारत के बारे में साथ ही क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या करते रहे हैं, ये सब हम इनके साथ चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद। समाचार 24/7 पर धन्यवाद इसके लिए आपका, और 24/7 का। आप बताएं, अपने बारे में अपना परिचय दें, क्योंकि नाम तो मैंने बता दिया जनता को, आप अपने बारे में स्वयं क्या हैं, कहाँ से हैं, आपकी सामाजिक में, समाज में आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह सिकरवार है और मैं दिल्ली शास्त्री नगर में निवास करता हूँ। और जनता की जो भी किसी प्रकार की आवाज़ होती है उसको उठाने में जनता का साथ देता हूँ और भूमिका निभाता हूँ। जैसे किसी प्रकार का किसी बच्चे का एडमिशन है, कुछ लोग दिक्कत कर रहे हैं स्कूल वाले, तो उनके लिए मैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ। किसी का लेबर कार्ड बनवाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेबर कार्ड बनवाता हूँ। बाकी किसी राशन कार्ड या किसी भी प्रकार की आधार कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है या सरकारी कोई भी योजनाएं हैं जिनसे लोग परेशान कर रहे हैं अधिकारी लोग, तो उसमें मैं जनता की मदद करता हूँ। आप दिल्ली में मौलिक भारत के साथ कब से हैं? मैं दिल्ली में मौलिक भारत के साथ काफ़ी पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग एक DND था अपना नोएडा का जी, जिसको फ्री किया गया था, उसमें भी मैंने छोटी सी अपनी भूमिका निभाई थी और मौलिक भारत का साथ दिया। मौलिक भारत के संपर्क में आप कब से आए और किसके द्वारा आए? मैं मौलिक भारत में हमारे गुरुदेव कह लीजिए या बड़े भाई कह लीजिए, उमेश चंद गौड़ जी थे, उनके द्वारा मैं मौलिक भारत में संपर्क में आया और उनकी मीटिंग में शामिल होना हुआ और मेरा संपर्क हुआ। अभी मौलिक भारत में आपको क्या जिम्मेदारी मिली हुई है? अभी मौलिक भारत का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे पूरे दिल्ली NCR के जनसंपर्क अधिकारी का काम दिया है, प्रचार प्रसार का काम दिया है कि आप अपने सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से लोगों को आकर्षित कर सकते हो, किस प्रकार से लोगों को आप बढ़ा सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो, और लोगों को दोबारा अपने सनातन धर्म में लाने के लिए, उनकी योजनाओं को अच्छी तरीके से बताने के लिए और उनको पूर्ण रूप से उनका ज्ञान देने के लिए ये संपर्क अभियान चलाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी। मौलिक भारत के साथ आप जुड़े हैं, तो मौलिक भारत में ऐसा आपको क्या नज़र आया जो आपको लगा कि मुझे मौलिक भारत के साथ जुड़ना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे अपने देश से बहुत प्यार है जी, और उसका नाम है भारत जी, तो भारत नाम सबसे पहले जो जुड़ा हुआ है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हूँ मौलिक भारत से, क्योंकि मुझे भारत से अपने लगाव है। और दूसरा मौलिक का मतलब है हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो अधिकार किसी को दिलाना चाहते हैं, वो अधिकार देने का हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसके लिए हम जनता को ये प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है मौलिक भारत ने भी जो कार्य किए हैं उन कार्यों के द्वारा मौलिक भारत की पहचान कैसी है? मौलिक भारत आज एक हिंदुस्तान में एक अच्छा कार्य कर रहा है और हमारी टीम बड़ी अच्छी तरीके से लोगों की मदद कर रही है, जनता के साथ चल रही है, और हमारी टीम आगे आने वाले समय में भारत के लिए और सारे प्रदेशों के लिए, NCR के लिए पूरा पूर्ण रूप से और कटिबद्ध होकर हम लोगों की मदद करेंगे और अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश करेंगे और उनको पुराना जो कल्चर था हमारा, सभ्यता जो थी हमारी, उसको हम वापस लाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2020 से कोरोना के कारण से देश की और दुनिया की स्थितियां बड़ी बिकट हो चुकी हैं, तो ऐसे में आपको मौलिक भारत को, आपको क्या लगता है कि मौलिक भारत के साथ जुड़ के आपको और मौलिक भारत को स्वयं ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो है, मतलब इन परिस्थितियों को देखते हुए मौलिक भारत को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मेरा जो अपना विचार है कि मैं चाहता हूँ कि मौलिक भारत हर प्राणी तक पहुँचे, हर व्यक्ति को उसको आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए
उसकी पूर्ण रूप से मदद करे। जिनका कारोबार खंडित हुआ है उनके कारोबार में व्यापार में लोन दिलाने के लिए या किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए पुनः स्थापित करने के लिए उसको योजना बनाएंगे हम लोग। और हम मैं चाहता हूँ कि मौलिक भारत भी ऐसी योजनाएं बना के जनता को मजबूत करे। नहीं, इसके अलावा और क्या ऐसे कार्य हो सकते हैं जिसको जिससे जो है जो परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं उनमें मौलिक भारत किस प्रकार सहयोगी हो सकता है? देखो, इसके लिए सहयोगी इस प्रकार से हो सकता है कि हम ऐसे जो पीड़ित हैं इससे, जो लोग इस प्रकार के पीड़ित हैं कोरोना काल से, उनके लिए हम सहयोग प्रदान करें। बच्चियों की शादी के लिए हम आर्थिक मदद दिलवाएं और बच्चों की फीस दिलवाएं। और जो जिनके घर में लालन पालन करने वाला अगर गुजर गया है तो उसके लिए हम आर्थिक सहायता ऐसी दें कि कम से कम उसको नौकरी दिलाएं और उसे कुछ आर्थिक राशि दिलाएं जिससे कि वो अपना घर चला सके। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोग मौलिक भारत से जुड़े और मौलिक भारत की विचारधाराओं को जाने और अपने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए रामायण गीता जैसे बच्चों को अच्छा खासा ज्ञान दिलाने के लिए आगे आएँ। उनका हार्दिक स्वागत। मतलब मौलिक भारत के लेके को लेकर के आपका जो है लोगों को संदेश है? ये बिल्कुल मेरा संदेश है कि लोग हमारे साथ आएंगे तो हम एक ऐसी आवाज़ उठाएंगे कि वास्तविक हम मौलिक भारत के द्वारा एक ऐसा भारत बनाएंगे जो एक वास्तविक नया भारत होगा, जिसे हम वास्तविक न्यू इंडिया कह सकते हैं। जिन लोगों को मौलिक भारत के बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा संदेश ये है कि वो हमारा नंबर है टोल फ्री, उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें बुकलेट देंगे, हम उनको योजनाएँ बताएँगे और हम उनको जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके द्वारा लोगों की मदद करने के लिए आगे प्लेटफॉर्म देंगे। इसी के साथ हम महेंद्र जी का धन्यवाद देते हैं। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ 24/7 का। धन्यवाद, नमस्कार।